अब हम लोग जाएंगे एक झील के पास में, यहाँ बड़ी प्यारी सी झील है एक। देखेंगे कई सैकड़ों में हैं ये ताले दोनों साइड में लटके हुए। दरअसल ये जो ताले हैं ये किसने लटकाए हैं, ये रूस में जो प्रेमी जोड़े हैं या जिनकी नई शादी होती है तो वो ऐसे ही किसी पुल पे जाते हैं और एक ताला लटका के उसकी चाबी फेंक देते हैं नदी में। उनका ये मानना है कि जब तक ये ताला रहेगा उनका जो रिश्ता है वो तब तक चलेगा। तो ठीक उसके चक्कर में ये आपको बहुत सारे ताले मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये जो ताले हैं ये पूरे रूस में आपको मिलेंगे, बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े ब्रिजेस पे जितने भी होंगे सब जगह पे आपको लटके हुए मिलेंगे। वो देखिए कुछ घर हैं वो झील के किनारे, सोचिए इन लोगों के कितने मज़े होंगे, ऊपर घर नीचे झील। अच्छा कई ताले तो सच में बेहद पुराने हैं, आप देखिए इनमें जंग लग गया है। को निकालेगा तो कोई है नहीं, ये ताले ऐसे ही रहेंगे जिंदगी भर। इसके अपोजिट एक बात है कि रूस में जो डिवोर्स का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 60%, यानी कि 100 में से 60 शादियां रूस में बहुत जल्दी टूट जाती हैं और दोनों अलग अलग रहते हैं, और ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो दोबारा शादी करती ही नहीं हैं, वो अकेले रहती हैं, इवन बच्चों को भी अकेले पालती हैं। रूसी महिलाएं कहा जाता है कि दुनिया में सबसे मेहनती हार्ड वर्किंग महिलाएं होती हैं। कोई ऑफेंस ना ले इस बात का, ये एक जानकारी है जो सब लोग कहते हैं। ये इन्होंने बनाया बड़ा ज़बरदस्त होता है, छोटे छोटे गाँव है उसके बावजूद इन्होंने घूमने के लिए वो देखिए झील के किनारे कितना खूबसूरत बनाया है। मतलब ये चीज़ मुझे रूस की बड़ी अच्छी लगी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को या नोवोसिबिर्स्क में ही वो जो है अच्छी वक्त चीज़ें आपको मिलेंगी या डेवलप दिखेगा, यहाँ के जो छोटे छोटे कस्बे हैं गांव हैं, मैं तो इतना घूम गया यहाँ पे कि मुझे हर जगह पे ऐसे ही दिखाई देता है। मुझे लगता है अभी मुझे लग रहा है कि मैं मॉस्को में ही किसी पार्क में चल रहा हूँ, जबकि ये क्या है, ये छोटा सा आप कस्बा कह लो इसको, गांव कह लो, ज़्यादा बड़ा तो है, लेकिन फिर भी आप इनका देखिए हिसाब किताब, इतना बढ़िया सुंदर पार्क बनाया हुआ है। ये कुआं तो नहीं है, ये वो चीज़ मुझे लग रही है जो मैं ढूंढ रहा था कई दिनों से, शायद हाँ देखते हैं क्या ये वही है। हाँ जी ये वही है, ये है जी मेरे पीछे एक पारंपरिक रूसी कुआं। पहले इस तरह के कुएं होते थे यहाँ पे, उनसे पानी निकाला जाता था, तो इससे तो खैर वैसे ही ओवरफ्लो हो रहा पानी,
How can we see it? No, it's closed. It's closed? Yes. इसमें कीले लगा दी गई है. Just one minute. ये मुझे लगता है ये सिर्फ अब ऐसे ही रखा हुआ है देखने के लिए. लेकिन ये क्लोज हो गया है. लेकिन फिर भी ऐसे ही ये कुआं होता था, बाल्टी जाती थी, ये वो रस्सी के लिए घुमाने के लिए था, इस तरह से इसको घुमाते थे और फिर वो रस्सी ऐसे ऐसे लिपटती थी. आप जानते हैं ये आज भी भारत में ही कई गांव में ऐसा होता है. तो रूस में भी ये वाला जो सिस्टम है ये हुआ करता था. वाओ, मुझे तो वो गांव बड़ा मस्त लग रहा है. कितने प्यारे घर हैं झील के किनारे. मतलब कितना अच्छा है ना इन लोगों का घर ऐसी जगह पे. नीचे झील है और ऊपर गांव है और ठीक ऐसे ही इस साइड में भी है. वो देखिए ऊपर इधर घर है और यहाँ पे नीचे ये खूबसूरत झील. ये यहाँ पे एक फॉरेस्ट है गांव के बाहर. तो इस फॉरेस्ट का संबंध है द्वितीय विश्व युद्ध से. अभी जो स्मारक आपने देखा था उससे संबंध है कि यहाँ पे कभी इस फॉरेस्ट में लड़ाई हुई थी और जो सैनिक थे सोवियत सैनिक वो कई कई महीनों तक भूखे प्यासे इस जगह पे रहे थे छुपने के लिए जर्मन से. व्हाट इज दिस एता? दिस वन? यस, ये जो वाला जो पेड़ है. यस यस यस, ये वाला जो पेड़ है 1899 में लगाया गया था. अच्छा जी, ये लोग कैसे ढूंढते होंगे इस चीज़ को, कैसे कैलकुलेट करते होंगे कौन सा पेड़ कब लगाया था. और 1898 में नहीं लिखा, 1899 में लिखा होगा ना, 1900. मतलब एक ऐसा फिगर कि उस टाइम का है ये पेड़. ओके, ये यहाँ पे भी एक झील पे पहुँच गया जी. यहाँ पे झीलें बहुत सारी हैं बीच में फॉरेस्ट में है. और उधर एक ट्रैक्टर सुनाई दे रहा है. ये है यहाँ पे झील.
ये वाले पत्ते तो शायद से पता नहीं हमारे यहाँ होते हैं या नहीं, ये वाला जो पत्ता है यहाँ पे आप देखिए पूरा समुद्र है पत्तों का, जहाँ तक भी देखेंगे पूरे पत्ते ही पत्ते बिखरे हुए हैं। ये वाला जो फॉरेस्ट था, इसका जो सोवियत काल में जब युद्ध हुआ था, ये लोग उसको पेट्रियोटिक वॉर बोलते हैं और हम लोग जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से, तो उस टाइम कहते हैं कि यहाँ पे जो सोवियत सैनिक हैं वो छुपते थे और यहाँ से उन्होंने अटैक किया था। दरअसल ये कुर्स्क के बिल्कुल पास में है। उसके बाद आप जानते हैं कुर्स्क की एक बहुत बड़ी जो है टैंक बैटल हुई थी, अभी तक की दुनिया की सबसे बड़ी टैंक बैटल हुई थी, तो वो भी यहीं पास में ही है। तो उस टाइम ये सारा जो एरिया है आप कह सकते हैं कि ये युद्ध का एरिया है, और मैं अपने आप को थोड़ा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि मुझे ऐसी ऐसी जगहें देखने को मिल रही हैं। सोचिए जिस जगह पे कभी युद्ध हुआ था, ऐसे ही मैं बेलगो रोड में एक जगह पे गया था जहाँ पे बॉम्ब गिराया गया था, तो आज मैं इस जगह पे आया। मैं देखना चाहता था कि वो कौन सा जंगल है कि जहाँ पे जो है कभी लड़ाई हुई थी और सोवियत सैनिक, आप सोचिए इतना बड़ा ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे छुपे होंगे, उनके टेंट्स रहे होंगे, पूरा तामझाम रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे वो खाइयाँ भी बनी हुई है बीच बीच में, तो यहाँ पे पेड़ उग गए हैं, जैसे ये खाई बनी हुई है, अब ध्यान से देखिएगा इस तरह से खाइयाँ बनी हुई है जिनमें वो बीच में छुपते थे, आज भी है वो। एक लाइन घर की वहाँ से है वहाँ तक, वो वहाँ पे चर्च है, और एक लाइन ये वाली है, इट्स अ वेरी स्मॉल विलेज। एंड व्हाट्स देयर? गजा? यस। शीप? ओके। यहाँ पे भेड़े चल रही हैं। भेड़े नहीं है, बकरियां हैं। इट्स अ स्टोर। ये है इस गांव का स्टोर, खाने पीने की सारी वस्तुएं यहाँ से खरीदी जाती हैं। इकलौता स्टोर लग रहा है। इट्स जस्ट वन स्टोर। हाँ यस। ओ वाव, इतना ब्यूटीफुल चर्च। इतना टाइम It's lunch now? Yes, it's closed. It was lunch. लंच हो रखा है। ये देखिए जी, है खूबसूरत छोटी सी चर्च, और ये देखिए इस गांव की पहली गाड़ी। वाह भैया, ये है जी इस गांव की चर्च।
मतलब सच में कैसे कैसे गांव हैं, इतने खूबसूरत, बहुत छोटे छोटे गांव। और इस गांव में इंसान तो दिख ही नहीं रहे हैं, पता नहीं घरों में होंगे या कहीं काम करने गए होंगे। और गांव के ठीक सामने ही ये रहा इनका कब्रिस्तान। वाओ, मतलब इतनी छोटी चर्च मैंने आज तक नहीं देखी। ये चर्च मुझे लगता है 20 फुट का कमरा होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं है। समथिंग मास्क का नुजन। ओके लेट्स गो, अब हम कुछ खाने के लिए देखते हैं क्या पता यहाँ पे। कैन बॉय, chips? I want the chips. Chips. This one, please. What is it? Yellow one. Just check which one is this. Look. Ah, yes, yes. Okay. Okay. And what you want? Yes. If you need more, just. What? Все. Все, спасибо. Окей. रशियन बकरियां। अच्छा ये भाग ना पाए तो इनको बांधा हुआ है, खा खा के मोटी हो गई है। ये रहा, यहाँ इनको चैन से बांधा हुआ है। लातेफ का, लाप लाप का, लातेफ का इस गांव का नाम है जी, लाफतीफ का। और इस गांव में होंगे लगभग 20 घर टोटल, मुझे लगता है 10-12 इधर होंगे, 10-12 इधर हैं, या 30 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और इस गांव में एक लाइब्रेरी है, छोटी सी चर्च है, छोटा सा स्टोर है, और सारी सुविधाएं हैं जो भी सुविधाएं होनी चाहिए। और एक वहाँ पर स्कूल है छोटा सा। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आती कि अगर ये 30 से घर हैं तो इस बच्चे कहाँ से आते होंगे। फिर मुझे लगता कि आसपास के कुछ गांव और होंगे जहाँ से ये बच्चे आते होंगे, क्योंकि या तो ना मुझे बच्चों का शोर सुनाई दे रहा है ना कुछ। जो भी है अच्छा है। वो है जी सामने इनका स्कूल। Good village, beautiful village. It's little square. ये है जी गांव का स्क्वायर, यहाँ पे छोटा सा। वो वहाँ पे छोटे बच्चों का पार्क बना हुआ है। और ये है जी इस गांव में घूमने के लिए। खुशियाँ हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ हो सकती हैं। इस गांव में वो सारी चीज़ें हैं, भले वो छोटी छोटी हैं, जो एक छोटे से कस्बे में या एक छोटे से शहर में होती हैं। तो आप देखिए हर चीज़ है यहाँ पे। वो देखिए टेलीफोन बूथ भी है, वो रहा वहाँ पे टेलीफोन बूथ।
रोड के उस पार, वो वहाँ पे टेलीफोन बूथ है और ये अंदर स्कूल है इनका। सोचिए कितनी शांत लाइफ होगी ना इस गांव की। मतलब यहाँ से मॉस्को लगभग 800-850 किलोमीटर दूर है, लेकिन एकदम दूर दराज का ये गांव है। यहाँ से बेलगोर रोड भी कम से कम मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर से ज़्यादा होगा अब तो, क्योंकि हम आए हैं लगभग 100 किलोमीटर इधर और 150 किलोमीटर होगा यहाँ से बेलगोर रोड। देखने से लगता है कि इस गांव में ज़्यादा दो लोग नहीं हैं, तो ज़्यादा लोग आ भी नहीं पाते होंगे, लेकिन पैसा खर्च हुआ है गांव के ऊपर, ये अच्छी बात है। चलो जी, फिलहाल इस प्यारे से छोटे से गांव को करते हैं बाय बाय। इट इज ब्यूटीफुल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, स्मॉल विलेज बट ब्यूटीफुल। आई विल नॉट ईट इट। Why? It's for you. It's tasty. It is tasty, but oh, I will not eat it. Yes. I say yes. जब ये घूर के देखती है ना और बोलती है कि खाना पड़ेगा। You will not eat it? Yes, Yella. I finished. Finished? Yes.